वीडियो रहा है कुछ 22 या 30 मिनट का वीडियो, वो एक रिकॉर्ड आपने बनाया है, किस तरह से उस जर्नी को देख रहे हो? वो वीडियो जब प्ले हो रहा था आप काफ़ी इमोशनल थे, पूरा जर्नी, मंडली की जर्नी, आपकी जर्नी बताई उस वीडियो में, कितनी बड़ी बात है आपके लिए? यार ये यार रिकॉर्ड जो हुआ है वो मुझे पता नहीं रिकॉर्ड था कि नहीं था, कब बना, मैं आपने मुझे बताया, सच्ची में थैंक यू। बट वो जो जर्नी थी वो देखते समय इतना मज़ा आता है, क्योंकि मुझे कुछ तो अंदर से, शायद मैं गलत सोच रहा होगा, पर पूरे जर्नी में मैं ऐसे सोचता था, शिट यार सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है यार, मेरे को थोड़ा तो दो यार, या ऐसा मत समझो कि स्ट्रांग है, ये इमोशनल नहीं होता है, होता है कभी कभी ऐसा थोड़ा चुभता है ना कि शिट मैं कर रहा हूँ ना दिल से, मैं कोई रूल तोड़ने के वक्त 10 बार सोचूँ नहीं नहीं ये बिग बॉस ने नहीं बोला, ये नहीं करना है, बिग बॉस ने बोला है सबसे पहले मैं जाऊँगा ब्रो, तो ये सब चीज़ें फॉलो करने वाला ऐसा लगता है शिट वीकेंड के बार को मुझे तो कुछ बोला ही नहीं यार, थोड़ा तो बोलना चाहिए तो और ज़्यादा मस्ती और ज़्यादा अच्छे से खेलूँ, फिर ऐसे वक्त। पर लास्ट में बिग बॉस ने बोला कि कुछ चीज़ें होती है थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर जो जर्नी दिखाई मेरी तब मेरा यही निकला था आई शपथ बिग बॉस, मेरे जो दादाजी वादाजी जो पूरे नाम लेता हूँ मैं, शिव मंदिर उत्तम राव झुमुझी गणेश जी ठाकरे, वो सब ऊपर इतने खुश होंगे ब्रो, ये जो भी है बहुत नाम कमा रहा है और अपना नाम बिग बॉस ने भी लिया है, और बिग बॉस ने जो कॉम्प्लीमेंट दिया उसके बाद और सब छोटी छोटी बात भी अप्रिशिएट की, तो मुझे लगता है कोई चीज़ों के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है मुझे, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता है, फिर बाद में जो मिलती है वो नेक्स्ट लेवल मिलती है, थोड़ा फाड़ के मिलती है, तो वो वीडियो जो था मैं खुश था, और वो देखने में मेरी पूरी मंडली का जो अब्दू के साथ वाला बॉन्ड, निमृत के साथ वाला, MC के साथ वाला, साजिश सर, सुम्बुल के साथ वाला, तो मैं इंजॉय किया वो, और वो सच्ची में मुझे फिर से देखना है, बट अभी जब भी शांत हो जाएगा तब मैं वो फिर से देखूंगा एक बार, वो नहीं जरूर कुछ जो दर्द होते वो जाते नहीं है, एक तो दिल वाले और ये बिग बॉस वाला दर्द है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही रह रहा है, वो मुझे पता नहीं अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है पर पूरी तरह नहीं बैठा, शायद बिग बॉस वाला फील दे रहा है कि अभी तक भूलो मत बिग बॉस को। शिव जिस तरह बात करें MC